जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आज दिनांक 26 नवंबर 2022 शनिवार का दिन है। माक्षिस माह चल रहा है, शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि है और तृतीय तिथि 19:29 और 1 सेकंड तक रहेगी। आज चंद्रमा धनु राशि में है और 8 डिग्री पर विद्यमान है। आज मूल नक्षत्र है और नक्षत्र 14:59 और 43 सेकंड तक रहेगा और नक्षत्र के स्वामी केतुदेव है। दर्शक, आज कोई त्यौहार भी नहीं है और आज का राहु काल 9:34 और 14 सेकंड से 10:54 और 5 सेकंड तक रहेगा। आज का विजित मुहूर्त 11:52 से 12:34 तक रहेगा। दर्शक को, जो लोग भी रत्न धारण करना चाहते हैं, शनिवार का दिन है इसीलिए नीलम धारण अवश्य कर सकते हैं। आज के दैनिक उपाय में एक छोटा सा उपाय आप सभी को अवश्य करना है। आज कुत्ते को कुछ खाने के लिए जरूर दीजिए। अगर कुत्ता नहीं मिल रहा है तो किसी भी जानवर को आज कुछ खाने के लिए दीजिए। मात्र यही उपाय आपको आज के दिन के अच्छे परिणाम अवश्य दिलवाएगा। आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण करे। दर्शक, नक्षत्र से चंद्रमा का अपने से 11वें का संबंध बन रहा है और आज प्रातः सूर्योदय के समय 6:54 और 32 सेकंड पर वृश्चिक लग्न बन रहा है। वृश्चिक राशि के अंदर ही शुक्र हैं, बुध हैं और सूर्यदेव हैं। चंद्रमा धनु राशि के अंदर हैं, मकर राशि के अंदर शनिदेव हैं, बृहस्पति मीन राशि में है, राहु मेष राशि में है, मंगल वृषभ राशि में है और केतु तुला राशि के अंदर है। यह आज के ग्रहों की स्थिति है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्नफल और राशिफल दे रहा हूं। आरंभ करते हैं मेष राशि और मेष लग्न के जातकों से। आज भाग्य का साथ आपको मिलेगा। आज कहीं से कुछ उपहार मिले इसकी संभावना भी बनती है। आज परोपकार की भावना भी आपके अंदर रहेगी और दूसरों की मदद भी आज आपको करनी पड़ेगी। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए आज का दिन आप कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिसकी वजह से आपको सराहना मिले। आज दूसरों के साथ मिलकर के बेहतर कार्य के परिणाम लाने में आप सक्षम भी रहेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आज मन के अंदर किसी भी तरह के डिप्रेशन को हावी नहीं होने देना है। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आप थोड़ा ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जो करना है वो करना है, जो नहीं करना है वो नहीं करना है। आज आपको ये निर्णय जरूर लेना पड़ेगा क्योंकि आपके मन में आज द्वंद रहेगा कि ये काम मुझे करना चाहिए, अच्छी बात है, दूसरों के लिए परोपकार भी करना चाहिए, लेकिन मन कहेगा नहीं, अपना फायदा पहले देखो और इस द्वंद को आज आपको जरूर दूर करना है। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आप अपने संसाधनों से दूसरों को भी उसके अंदर उसका उपभोग करने दें या अपने को मिली हुई चीज दूसरों में आज बांट करके आप यूज करें, उसकी संभावना बनती है। आज मित्रों का सहयोग साथ भी मिलेगा और आज आपको दूसरों की मदद भी करनी पड़ सकती है। आज मेहमान नवाजी करने का भी आपको अवसर मिल सकता है। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपको संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन किसी और के कार्य के लिए आपको कहीं जाना पड़े, किसी की मदद करनी पड़े या अपने काम को बनाने के लिए आपको कहीं और जाकर के किसी की मदद लेनी पड़े, इसकी संभावना भी आज जरूर बनती है। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन केतु आपको बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन चंद्रमा आपको आज संसाधनों की कमी महसूस अवश्य करवाएगा। इसीलिए घर से निकलते समय अपनी जरूरत की हर चीज को साथ लेकर के चलें, इस बात का कंफर्मेशन आप घर से निकलने से पहले ही अवश्य कर लेना। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन केतु आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेगा। आज परिस्थितियों का अवलोकन आप अलग तरीके से करेंगे और उसके कारण से आपको परिणाम भी मिलेंगे। आज आप कोई भी कार्य करेंगे उसको जब तक पूरा ना हो जाए उसका पीछा आप छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपको धन तो मिलेगा और वो धन आपको परिवार के सहयोग के कारण से मिलेगा, लेकिन दूसरों के सहयोग से मिली हुई चीज आपके लिए फायदेमंद है, इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज जो हमें मिल रही है जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से हमारे लिए ही हो, इसलिए यदि उसके अंदर किसी और का भी हिस्सा है तो आज आपको ईमानदारी से उनको उनका हिस्सा भी जरूर देना है।
धनु राशि और धनु लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपको दूसरों के सहयोग के द्वारा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति आपको करनी पड़े ऐसी संभावना बनती है। आज मन के अंदर थोड़े से द्वंद्व की स्थिति रहेगी, आप एकाग्रचित होकर कार्य नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि दूसरों का सहयोग और साथ लेंगे तो आज आपके कार्य समय पर भी पूर्ण अवश्य होंगे। मकर राशि और मकर लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपको खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखना है और आज आपको कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जो आपके कार्य के अंदर आपको बेहतर परिणाम जरूर दिलाएंगे। आज की गई मेहनत का परिणाम भी अच्छा रहेगा और कार्य क्षेत्र में भी आज आपको परिणाम बेहतर मिलेंगे। कुंभ राशि और कुंभ लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपको दूसरों की मदद भी करनी है। आज किसी के साथ कहीं घूमने जाने का कार्यक्रम बन सकता है या कहीं शॉपिंग पर जाएं और आपको वहां किसी की मदद करनी पड़े, यानी खरीदारी तो आपको नहीं करनी है लेकिन किसी और के लिए आज आपको शॉपिंग पर जाना पड़ रहा है, ऐसी संभावना बनती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, वहां पर मन के अंदर लालच को हावी नहीं होने देना है। आपको अपनी जरूरत का यदि कोई सामान मिलता है तो ही अपना पैसा खर्च करना है, फालतू की चीजों को खरीदारी में आज नहीं लेना है। मीन राशि और मीन लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन चंद्रमा आपको कई अवसर दिलवाएगा। ये अवसर आपको बेहतर परिणाम भी जरूर दिलवाएंगे। आज काम को बेहतर तरीके से भी करेंगे और आज किए गए कार्य के परिणाम आपको बेहतर भी मिलेंगे और आपको पदोन्नति के कोई अवसर मिले इसकी संभावना भी बनती है। दर्शकों, ये आज के गोचर के आधार पर मैंने आपको आज का लग्नफल और राशिफल दिया है और इसी के आधार पर आप अपना दिन भी व्यतीत होता हुआ अवश्य पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।